हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे शेयर के बारे में, जिसमें भी देखो मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, हमें अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं। मंथली पे अगर इसमें कोई रिजेक्शन आएगा तो वो आएगा 258 के आसपास। अगर ये लेवल यहाँ ब्रेक करता है तो फिर अच्छा मोमेंटम एक साइड अपसाइड में देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और ज्यादा इसमें फिर मतलब नेक्स्ट डे को धीरे धीरे करते करते एक बेस बना के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मार्क करता 257 का, इसको हम यहाँ पे साथ के साथ मार्क करके चलते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे देखो अभी यही सेम लेवल पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है ना, इस जगह पर जब भी आया था पुराना यहाँ पे, इस जगह से एक सेलिंग एक्टिविटी हुई थी यहाँ पे। तो जिन लोगों का यहाँ पे पैसा फंसा हुआ होगा, जिन्होंने यहाँ पे बाय करा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार एग्जिट करने का प्लान करके, सपोज करो जैसे आपने बाय करा था, तो आपको दिमाग में अगर ये है कि मेरी प्राइस पे अगर आएगा यहाँ पे तो मैं कहीं ना कहीं एक बार निकलूंगा, ब्रेक इवन पे ही हो जाए, मतलब प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे ब्रेक इवन पे भी आएगा तो भी निकलने की कोशिश करेंगे ऐसे में। तो जब भी अगर यहाँ पे आता है तो हो सकता है उसके बाद यहाँ पे एक बार हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग मान लो, या थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन मान लो, प्राइस वाइज करेक्शन मान सकते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो 218 हमारा यहाँ पे अच्छा सपोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे तो कंडीशन में देखना है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, जब मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी सेके पर आएगा 258 के आसपास, तो एक बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और यहाँ तक लेवल आ सकता है। इनकेस अगर नहीं आती प्रॉफिट बुकिंग, एक फ्लो में अगर बड़ी कैंडल बना के मार्केट निकल लेता है तो ठीक है, वहाँ पे हम उस हिसाब से देख लेंगे कंडीशन। बाकी अगर रुकता है वहाँ पे एक बार ब्रेक लेता है तो 218 तक आ सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अभी क्या होना, देखो इतना अभी इसमें यहाँ पे ये अभी यहाँ पे एक बड़ी कैंडल अच्छी बनाई इसने यहाँ पे, उसके बाद इसने यहाँ पे तीन छह दिन का एक रेंज बनाया यहाँ पे। अब इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो इसे धीरे धीरे करते ये रेंज बना रहा है और मार्केट गिर नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब एक बेस बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन हो रहा है यहाँ पे इस जगह पर यहाँ पे। तो ये रेंज जब भी ब्रेक करेगा यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे। और फिर पहला जो यहाँ पे दिख रहा है अच्छा टारगेट यहाँ पे, वो 258 तक का ही लेवल दिख रहा है यहाँ पे। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छे इसमें एंट्री यहाँ पे इसमें बन सकती है, इसमें पोजीशन अच्छी दिख रही है यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे और चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी वीकली और मंथली पे मैंने एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी सके के आसपास आएगा तो वापस से रिटेस्ट करने इस जगह तो आ सकता है यहाँ पे, तो इसी जगह को यहाँ पे प्लान करना ये वाले लेवल पे। ठीक है, चाहे तो हम इसको हटा भी देते हैं, तो इसी जगह पर जब भी निकलेगा वापस ये 258 पे वापस जाएगा तो क्या हो सकता है, हम यहाँ पे बनाते हैं 258 तक जाता है तो हो सकता है उसको वापस एक बार रिटेस्ट करने आए और उसके बाद ही वापस से ब्रेकआउट दे, क्योंकि यहाँ जो इन लोग फंसे पड़े ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार एग्जिट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वापस से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या डाउन साइड पेंटर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, रिटेस्ट करने आ सकता है। तो ये हो जाएगी यहाँ पे इसमें जुआरी एग्रो केमिकल के लिए यहाँ पे हमारा एनालिसिस यहाँ पे इसमें। तो सारे हमने टाइम फ्रेम देख लिया मंथली वीकली और डेली, एक बार हम 5 मिनट का भी देख लेते हैं इसमें यहाँ पे 5 मिनट पे क्या कंडीशन रहेगी। अब 5 मिनट पे देखो यहाँ पे, तो ये लास्ट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी और काफी अच्छी, मतलब ऐसा लग रहा है लास्ट मोमेंटम में बाइंग आई है कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी लेवल या तो ऊपर ब्रेक करे या फिर हमें थोड़ा मिड पे अगर कहीं भी मिलता है तो ये एक एंट्री का पॉइंट बन जाएगा अभी, मतलब रिसेंटली मंडे के लिए, मंडे ट्यूसडे को कभी आता है तो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे आए। देखो बहुत देर तक नॉर्मली चल रहा था यहाँ पे 217 के आसपास, फिर एकदम से 3 बजे के आसपास लास्ट के आधे घंटे में बाइंग आई है ये वाली चीज है। ठीक है, लास्ट के आधे घंटे में कोई वॉल्यूम जनरेट हुई है, तो अगर थोड़ी बहुत से मान लो गैप अप होता है, सपोज करो इस सिटी के आसपास यहाँ पे वो ओपन होता है, तो जो भी डिप मिलेगा यहाँ पे वह यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ शॉर्ट टर्म 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे मंडे को हम कैसे देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा भी गैप अप मिलता है इस सिटी के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर वापस यहाँ पे आके एक बार बाइंग एक्टिवेट हो सकती है इस लेवल के आसपास, उस हिसाब से यहाँ पे देख रखना। तो ये हमारा सारे लेवल्स हो गया मंथली वीकली डेली 5 मिनट के हिसाब से, तो जिस कंडीशन के आप हिसाब से आप देखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, जो भी अपना डिसीजन ले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें उसके बाद ही यहाँ पे डिसीजन ले, जो मुझे चार्ट के बेसिस पे लग रहा था मैंने आपके साथ शेयर करा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चार्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।